भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक स्कीम पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत सिलेक्ट हुआ था। पूरे बिहार से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक मैं भी था सीतामढ़ी से। और अभी मैं ये बहुत ही गर्व की बात है पत्रकार साहब, और सबसे पहले मैं इनको निःशब्द हूं कि कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि ये कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे हमारे नौजवान साथी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे किताब लिख करके और आज जो जनरेशन है इस जनरेशन के बीच एक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीतामढ़ी के मोहनी गांव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित युवा लेखक के अंजर अकील हाशमी का भव्य स्वागत। पुपरी न्यूज के लिए टीपू टार्जन की रिपोर्ट। बताते चले कि मौके पर मौजूद खसूसी मेहमानों ने युवा लेखक अंजर अकील को फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर अंजर अकील ने बताया कि बीते 11 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसी मौके से प्रधानमंत्री युवा लेखक स्कीम के तहत देश के 75 युवाओं का चयन किया गया था। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 17,000 युवाओं ने हिस्सा लिया था। मौके पर मौजूद मेहमानों ने बताया कि नानपुर प्रखंड के छोटे से परिवार में जन्मे अंजर अकील ने शिक्षा की बदौलत भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मान हासिल कर सिर्फ मोहनी गांव का ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी जिला बिहार राज्य के साथ साथ भारत देश का भी नाम रोशन किया है। वर्तमान में अंजर अकील इंडोनेशिया मुल्क के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ सालातीगा से PhD कर रहे थे। उनके PhD का विषय मदरसा एजुकेशन का तुलनात्मक अध्ययन है। अंजर अकील को उनके द्वारा लिखी गई किताब बाबा मजनू शाह मलंग मदारी जंगे आज़ादी का गुमनाम कायद की वजह से यह सम्मान हासिल हुआ है। मौके पर मोहम्मद जुबैर आलम, SHO नानपुर संजय कुमार, MIMIM के जिला संयोजक नजरे आलम उर्फ चांद बाबू मोहनी, मोहनी पंचायत के सरपंच आचार्य संजीव कुमार, तबारक हुसैन मोहम्मद नसीरुद्दीन, मुफ्ती अबुल उलमा मौलाना हाशिम मुल्क कादरी, हाफिज नफीस अहमद सहित अन्य मौजूद रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। ये बहुत ही गर्व की बात है पत्रकार साहब, और सबसे पहले मैं इनको निःशब्द हूँ कि कैसे धन्यवाद दूँ, क्योंकि ये कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं, और जो कार्य कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। और सबसे पहले मैं पंचायत के सरपंच होने के नाते मैं सबसे पहले गौरवान्वित हुआ हूँ, इसलिए मेरा पूरा पंचायत का गौरव बढ़ा है, मेरे पूरा प्रखंड का गौरव बढ़ा है, मेरे पूरा जिला का गौरव बढ़ा है, अभी तो मेरे पूरे बिहार का गौरव ऐसे ऐसे बच्चे बढ़ाते हैं। और ऐसे बच्चे लोगों को हम यही कहेंगे कि इसी तरह आप कुछ अच्छे से अच्छे अचीवमेंट करते रहें। हम लोग पूरा तन मन धन से आपको सहयोग करने के लिए हर क्षण तैयार हैं, और आप देश दुनिया की नाम इसी तरह हमारे बिहार का, प्रखंड का, पंचायत का, हम सबों का नाम रोशन करते रहें, इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे प्रखंड से उठ करके जिला नहीं, राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे हमारे नौजवान साथी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे किताब लिख करके और आज जो जनरेशन है इस जनरेशन के बीच एक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम जनाब अंजर अकील साहब के पूरे परिवार को और इनको तहे दिल से और हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से देश का नाम रोशन करते रहें। और आज जो एजुकेशन, ये हकीकत यह है कि तालीम जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हाथ में कलम है तो उसको जिंदगी जीने का सही तरीका मिलता है। तो शिक्षा एक इंसान के जीवन में बहुत बड़ा शिक्षा का योगदान है, इसलिए तमाम नौजवान साथियों को एजुकेशन की तरफ बढ़नी चाहिए। और जैसे हमारे अंजर भाई ने इंडोनेशिया में जाके PhD कर रहे हैं, अभी एक स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखे हैं, उसी तरीके से तमाम नौजवानों को तालीम की तरफ आगे बढ़नी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर करके और ऐसी ही किताब हमारे जो पूर्वजों जो इस देश के खातिर कुर्बानी दिए हैं, जो लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ादी हम लोग को दिला है,
उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद करनी चाहिए और उनको इस तरीके की किताबें लिख करके आज की जो जनरेशन जो नौजवान है उसके बीच उन हम अपने बुजुर्गों की बातों को रखें ताकि हमारे नौजवान ये जाने कि हमारी देश की आजादी में हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी और किन किन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ाई लड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा मजनू शाह मलंग मदारी जो इतिहास के पन्ने से मिटा के दिया गया हुआ था लेकिन इन्होंने उजागर किया उससे क्या ये बहुत अच्छी बात है। असल देखिए अभी जो हुकूमत है ये तो अक्सर जो हमारे पूर्वज हैं जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम हिस्ट्री से मिटाया जा रहा है तो ये गलत है, लेकिन वही हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो फिर से हमारे नौजवानों तक हमारे बच्चों तक ये स्वतंत्रता सेनानियों की बातों को पहुंचा रहे हैं, उनको फिर से दोबारा याद दिला रहे हैं। लेकिन मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो पूर्वज ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी किताबों को स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनको ये पता चले कि हमारी देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों की क्या भूमिका रही। नमस्कार, मैं अंसर रफीन, फिलहाल मैं इंडोनेशिया से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक स्कीम पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत सिलेक्ट हुआ था। इतिहास में 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक मैं भी था, सीतामढ़ी से। और अभी मैं इंडोनेशिया में था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया था अपने राष्ट्रपति भवन में और वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर साथ में लास्ट में खाना वगैरह भी हुआ और मेरी जो किताब इस टॉपिक पर मैंने लिखा है उसके 2-3 मिनट बाद भी हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने कहा है कि आप लिखते रहें देश के लिए, नाम रोशन करते रहें और किसी तरह की कोई परेशानी हो लिखने में पढ़ने में तो आप बिलाजी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उस किताब का नाम क्या है? मेरी जो किताब है उस किताब का नाम है बाबा मजनू शाह मलंग मदारी जंगे आज़ादी के गुमनाम कायद। ये दरअसल मुजाहिद जंगे आज़ादी थे, इन्होंने फ़कीर सन्यासी मूवमेंट जो है बंगाल से जो स्टार्ट हुआ था जिसमें भवानी पाठक और रानी देवरानी वगैरह से मिल करके इन्होंने स्टार्ट किया था और इसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ फ़कीर एंड सन्यासी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ तकरीबन 12 से 15 जंगे हुए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। होमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में। मोमो मैजिक कैफे फैमिली रेस्टोरेंट फुल्ली एसी और फ्री वाईफाई के साथ। मोमो मैजिक कैफे खुल गया है आपके अपने कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में। मोमो मैजिक कैफे जहां आपको मिलता है 36 प्रकार के मोमोज आपके अपने शहर में। मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में, जहां फास्ट एंड फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जी हां, नॉर्थ इंडिया के ऑथेंटिक फ्लेवर का मजा लीजिए और आज ही आइए मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी सीतामढ़ी।